हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बी द चेंज ब्लॉग्स। सो काफ़ी समय बाद हम अब ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और इस बार जो हमने डेस्टिनेशन सोची है वो सोचा है क्यों ना माता जी के दर्शन किए जाएं। तो वैष्णो देवी हम जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से कोरोना की वजह से हमने वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाए थे, अब फाइनली वापस से, क्योंकि वापस से थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ है तो हमें वीडियोस बनाने का फिर से मौका मिल रहा है, मतलब ट्रैवलिंग का फिर से मौका मिल रहा है और ट्रैवल ब्लॉग्स यहाँ से वापस से स्टार्ट होते हैं। अभी तक केवल हमें चले हुए आधा घंटा हो चुका है, हम इस वक्त पहुंच गए हैं किशनगढ़ और मौसम देखिए आप, मतलब सीरियसली घर से निकलने से आधा घंटा पहले तक एकदम काफ़ी तेज़ धूप थी, बट जब हम निकले तो रास्ते में थोड़ी सी बरसात हुई और अभी फाइनली जो मौसम है किशनगढ़ में अभी ये है। जयपुर तक पहुँचते पहुँचते इनका सेल्फी सेशन ख़त्म नहीं हो रहा, मैं भी आऊँगा। रास्ते में काफ़ी तेज बारिश हो रही है। लॉन्डे, तो जो सफ़र कल हमने चालू किया था अजमेर से वो हमारी डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम अभी उतरे हैं जम्मू और जम्मू में उतरते के साथ ही आपको क्या करना पड़ता है, अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, एक रैपिड टेस्ट होता है आपका जिसमें हाथों हाथ आपको कोरोना की रिपोर्ट मिल जाती है। सो बेसिकली वो तो स्टेशन पर ही होता है, तो स्टेशन पर ही 3-4 काउंटर लगे होंगे, वो वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। तो बेसिकली अभी हम हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे, यहाँ पर एक फॉर्म हमको फिल करना है, हमारे आधार कार्ड एड्रेस वगैरह सब अपडेट करना है उसमें, एंड देन ये हमको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, उसमें हमको ये हो जाएगा कि हाँ आप नेगेटिव फाउंड हुए हो। सो बेसिकली अगर आपके पास नेगेटिव की रिपोर्ट है तो 72 घंटे तक वैलिड रहती है कहीं पर भी जाने के लिए, जैसे आपको यहाँ से कहीं फर्दर जाना हो, अभी कटरा जा रहे हैं, अगर वहाँ रिपोर्ट चेक होगी तो वो रिपोर्ट हमारे काम आएगी। और कई लोगों को शायद पता भी नहीं और कई लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं, पुलिस वाले हालांकि काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपको टूरिस्ट सेंटर जाना है, बट कई लोगों को शायद वो ज़रूरी नहीं लग रहा है। सो बेसिकली अभी राम और विनोद फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से अब हम कटरा के लिए बस वगैरह पकड़ेंगे एंड देन लेट्स सी क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म फिल करा टेस्ट करवाने के बाद, तो उसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आया है। तो इसके अंदर लिखा है कि हम नेगेटिव हैं, तो अभी हम बाहर की तरफ आए हैं, अभी हम चाय इसके ऐसा कुछ थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करके और आगे यहाँ से बाहर ही बस स्टैंड है, फिर बस स्टैंड से बस पकड़ के और फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे अपनी यात्रा के लिए। तो वहाँ से हम आए हैं, तो अभी हम कटरा के लिए बस देख रहे हैं, कटरा की बस में बैठ करके लगभग यहाँ से 1-1.5-2 घंटे मैक्स का रास्ता है, फिर उसके बाद हम होटल वगैरह बुक करेंगे
या अभी रास्ते में कर लेंगे, देखते हैं। सामने वाली जा रही है? हाँ, 255 पे। कितनी देर में चलेगी? भरने पे। अच्छा, ये हमको मिली है ओल्ड स्कूल बस जो कि काफी ओल्ड है और इसका रोम रोम इस बस का बज रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लद्दाख तक जाती होगी। जम्मू से हमारी बस चली थी कटरा के लिए, तो अभी कटरा पहुंचने में लगभग हमको 15 किलोमीटर बचे हैं और बस ने एक स्टॉप लिया है। हालांकि ऐसा कोई लंबी जर्नी नहीं थी, बट अगर बस ने स्टॉप लिया है तो अच्छा ही है, व्यू देखने को मिलेगा। तो अब जब व्यू की बात मैंने कर ही ली है तो मैं आपको कुछ अच्छा दिखाता हूँ जो ये नेगेटिव वाले दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे हमें। फर्स्ट टाइम पतंजलि का दिव्य जल लिया और गड़ियों राम में एक बार इसका टेस्ट लेकर के देखूं। पानी में ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है, मगर थोड़ा सा कड़वाहट जरूर आ रही है। तो कटरा आने में लगभग 5 किलोमीटर बचे हुए हैं और यहाँ पर एक चेक पॉइंट था जिसमें कुछ इस तरीके से वहाँ से बस से उतारा गया और यहाँ पे मतलब हमने क्रॉस करा है चेक पॉइंट और अब बस आगे आएगी और बस में बैठ करके फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा होटल था और यहाँ पे गली गलियों में होटल हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं, होटल वगैरह हमने ले लिया है और ये हमारी फर्स्ट मील है दिन की। तो ये थाली सिस्टम यहाँ पर है और भाइयों को काफ़ी तेज़ भूख लग रही है तो राम सबसे पहले नंबर पे, तो रहा नहीं जा रहा, तो भूख तो मुझे भी लग रही है तो शुरू करते हैं, बाद में मिलते हैं। हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो अभी एकदम फ्रेश होकर के और हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। मौसम का अगर हाल देखा जाए तो फ़िलहाल तो मतलब उतनी गर्मी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत हाई है, उस वजह से हमने दिन में स्टार्ट नहीं करा और फिर रेस्ट भी लेना ज़रूरी था। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी तो लगेगी लगेगी लेकिन आधे रास्ते बाद तक ठंडक हो जानी चाहिए ऊपर जाते जाते जैसे जाएंगे, क्योंकि ऊपर का माहौल बहुत अलग होता है। तो कभी भी ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें यात्रा टिकट लेना पड़ता है। तो यात्रा टिकट लेने के लिए या तो आपको शुरू में बस स्टैंड के पास में काउंटर मिलेगा, अदरवाइज वैसी शॉप हो साइबर कैफे टाइप या ऐसा कोई हो जो आपको प्रोवाइड करा रहा, तो 10 रुपये पर यात्रा टिकट के लगते हैं, तो वो आप वहाँ से ले करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे आपका एक चेक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको आर्मी सोल्जर्स चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह या कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे ताकि एनर्जी बनी रहे, और इनको बोलते हैं खच्चर। ना तो ये गधे होते हैं और ना ये घोड़े होते हैं, ये कुछ बीच की ब्रीड है। हाँ इधर ही है, यही रास्ता है ना भैया? धन्यवाद। पीछे की तरफ से आए हैं, पहले चढ़ाई थी, अब नीचे जा रहे हैं, फिर वापस से चढ़ाई स्टार्ट होगी चेक पॉइंट के साथ। और वो जो आपको दिख रहा है वो अर्धकुंवारी है, मतलब सेंटर पॉइंट है, पहले वहाँ तक पहुँचना होगा। और वहाँ पे गुफा भी है, कई लोग वहाँ पर मतलब गुफा के लिए रात भर वेट करते हैं। वहाँ कुछ नया एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। अरे एडवेंचरस जा रहे हो,
और चाह रहे हो कि उस एनर्जी को कहीं लगाना है, तो एक बहुत अच्छी जगह है कि आपकी एनर्जी भी पूरी ख़त्म हो जाएगी यात्रा करते हुए और दर्शन के दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। तो ये मेरे हिसाब से ये रेंट पर अवेलेबल होते होंगे, इसमें आप अपने बेबी को साथ में लेकर के चल सकते हो। ये रेंटेड है आई गेस, अदरवाइज इतने सारों का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये होते हैं भाई जम्मू के छोले कुलचे, मतलब इस साइड आओगे तो आपको ऐसे मिलेंगे। अपने वहाँ चलते हैं, अलग से छोले आते हैं धोने में, प्याज वगैरह कटी हुई आती है इसके अंदर, बीच में भी सैंडविच टाइप इसको भर देंगे और ऐसे बन करके खाते हैं। तो अभी दोनों भाई लोग कुलचे खा रहे हैं और फिर चलते हैं, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। सब ये चेक पॉइंट है और ये हमको यहाँ पर ये पूरा चढ़ना है, नेटवर्क टावर भी लगे हुए हैं वैसे, लेकिन ये पोस्टपेड यहाँ पे सिम चलती है, मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं, बट यहाँ पे प्रीपेड सिमें आते ही साथ ही जम्मू के एंट्री पे, जम्मू से पहले एक कठुआ स्टेशन आता है उस जगह पे प्रीपेड सिम्स बंद हो जाती हैं, उसके बाद से पोस्टपेड ही चलती हैं। पोस्टपेड है तो चलेगी, अदरवाइज़ आप रेंट पे भी सिम ले सकते हैं, मतलब 150-200 रुपये लगभग की रेंट की 24 आवर्स की सिम मिलती है। लाइन लगी हुई है, इस लाइन में खड़े होकर के चेक पॉइंट क्लियर करके। ये जो था वो एक चेक पॉइंट था फर्स्ट पे, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा आपके पास वेपन्स या मतलब ऐसी चीज़ें चेक होती हैं। सेकेंडली आपके पास कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टबैको हुआ या कुछ और आप कैरी करते हो, सुपारी, मतलब कुछ भी ऐसी एनीथिंग, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए खाने पीने के, बेसिकली बुरी चीज़ें ऑब्वियसली। सो यहाँ से यात्रा शुरू होती है और फर्स्ट ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, सेकेंड ब्लॉग हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो किसी भी रीज़न से देन कंटिन्यू करना नेक्स्ट ब्लॉग से, और नहीं भी करते हो, लाइक नहीं करते हो, नहीं पसंद आता है तो नेक्स्ट वीडियो तो देख ही लेना, इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, हर एक बारीक डिटेल में बताने वाला हूँ पूरी सीरीज़ में। सो जयकारा मां सुंदर गुफे वाली दा बोल सच्चे दरबार।